स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI एग्जाम में। आज की जो क्लास है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की है ITI सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। चैप्टर जो हमारे चलने वाला है वो है हमारा फ्रिक्शन, है ना। फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन ध्यान रखना, ठीक है। फ्रैक्शन अलग होता है, फ्रिक्शन अलग होता है, यानी घर्षण। अगर हिंदी में बात करो तो अब समझोगे घर्षण से आप लोग, है ना, ठीक है, कि घर्षण होता क्या है, ठीक। अब ये चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। अब बेसिक से कुछ आपको इसमें पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से अगर आप इस चीज़ को जान लोगे तो देखो आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में 5-6 चैप्टर तो खुले हैं, है ना, 5 या 6 हैं, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था सिलेबस पर, नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख लेना, चैनल पर जाकर वर्कशॉप वाले प्ले लिस्ट में जाना, उसमें भी मैंने लिंक दे रखी है वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें सिर्फ 5 या 6 चैप्टर हैं। अब टाइम आपके पास अभी है, अभी 50 दिन समझ लो, है ना, है अभी आपके पास टाइम परीक्षा के लिए। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं जितने भी टॉपिक हैं वर्कशॉप के 5 या 6 जितने भी आए हैं मैं इनको बेसिक से कवर कर देता हूँ, ठीक है। पाँच सपोज करो 5 चैप्टर है तो 10 क्लास में खत्म हो जाएंगे, 6 चैप्टर है तो 6 जो भी टॉपिक हैं जो भी सिलेबस में है तो उनको हम 12 क्लास में, यानी कि एक चैप्टर को हम दो उसमें ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो भैया पहले हम बेसिक से कवर कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा निमी पैटर्न के, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो बेस है वो एक किस्म से यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आज के टॉपिक से, घर्षण। अब पॉइंट टू पॉइंट बता चलूंगा, देखो अपनी लैंग्वेज समझाऊंगा मैं, किताब में कुछ और लिखा है भाई, किताबी अगर भाषा सब लोग जान सकते फिर क्लास का लेने का क्या मतलब, है ना। अगर कि जिसका आप बुक है तो देख बार देखना, फिर मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें होती है। बारे में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना डियर, घर्षण जो बल होता है वो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, है ना, गति की विपरीत दिशा में, ठीक है, लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं घर्षण लिख देता हूँ, कभी कन्फ्यूजन में हो जाओ, ठीक है। जो घर्षण होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना हमेशा, जो हमेशा घर्षण होता है वो गति की किस में लगता है, हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। अब कैसे विपरीत दिशा में लगेगा ध्यान रखना डियर, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गति सपोज करो इस साइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप गति इस साइड कर रहे हो, आप जा रहे हो किस साइड, इस साइड जा रहे हो, ठीक है, हाँ, आप गति इस साइड कर रहे हो तो घर्षण कैसा लगेगा, हमेशा इसका उल्टा लगेगा, ठीक है। यानी कि एक किस्म से आपको रोक, भाई आपको ना एक किस्म से रोकने से का काम कर रहा है, रोकने का मैंने बताया, ठीक है, रोकने का काम कर रहा है। तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि घर्षण कैसे काम करता है गति से, है ना, गति के समान कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है, या फिर एक ही दिशा में कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे IMP क्वेश्चन है कि घर्षण जो है हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। प्रकार का होता है, तो देखिए जो घर्षण होता है वो हमेशा 3 होता है, सीमांत, क्या होता है, सीमांत, अभी बताऊंगा तीनों के बारे में क्या क्या, एक होता है सीमांत, एक होता है गतिज, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको ही ध्यान रखने हैं, एक तो होता है मेरे पास यहां पर स्थितिज, दूसरा होता है मेरे पास यहां पर क्या बोलते हैं सीमांत, और तीसरा होता है यहां पर मेरे पास गतिज। तो तीनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जिसको पता है भाई वो तो चलो ठीक है, जिसको नहीं पता तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने बताया सवाल कहाँ से बनेगा कि घर्षण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, स्थितिज, सीमांत और गतिज, 3 प्रकार का आपका घर्षण होता है, 1, 2 और 3। नंबर 1 पे आता है मेरे पास स्थितिज, स्थितिज क्या होता है, देखो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ घर्षण, चलो घर्षण होता क्या है, पहली बात तो ये, अब आप लोग कन्फ्यूजन होगी भाई सब घर्षण क्या होता है। घर्षण देखो मैं अपने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इस बोर्ड पर ऐसे हाथ फिसला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा जैसे जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे सड़क पर फिसलन से टाइप की हो जाती है, फिसलन वगैरह हो जाती है, बर्फ़ पर
जब आप कहीं पर गए होंगे, मनाली वगैरह, बर्फ़ पर फिसले होंगे, चलो बर्फ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बारिश में वही फिसलन वगैरह हो जाती है, ठीक है, मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है तो वहाँ पर फिसलन वगैरह हो जाती है, तो आप गिर जाते हो, ठीक है। क्यों गिरते हो? क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं होता, ठीक है। घर्षण क्या होता है? कम होता है, ठीक है। आप जो चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, ये किसके कारण चल रहे हैं भाई? हमें घर्षण ही तो पैदा मिल रहा है एक किस्म से, है। घर्षण क्या करता है? किस्म से रुकावट, मान लो बस एक किस्म से रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमें रोक रहा है गिरने से। अगर हमारे इसमें ये बात बताओ, आपने देखा होगा अब तो ऐसे ऐसी टाइल्स वगैरह आ रही हैं, टाइल्स आपने देखे जो घरों में टाइल वगैरह लगती हैं, है ना। अब ऐसा होता है कि कभी कभी फिसल जाते हैं उन पर, है ना, क्या होता है, फिसल जाते हैं, तो वो क्या होता है भाई? वहां पर घर्षण कम होता है, ठीक है। अब घर्षण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, तेलीय चीज इतनी होती है, है ना भाई, फिसलन का कारण क्या होता है? तेल चीज है ना। आप इस पर वैसे अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, सपोज करो मैं ऐसे ऐसे स्लिप मार रहा हूँ, ठीक है, या फिर स्पोर्ट पर ऐसे हाथ मार रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ना, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। सपोज करो आप इस पर सरसों का तेल डाल दो, या कोई भी ऐसा जिसको स्नेक वगैरह मान सकते हो, स्नेक जैसे कि ग्रीस वगैरह लगा दो, तो क्या हो जाएगा? एकदम हाथ फिसल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ एकदम फिसल जाएगा, है ना। तो ये जो तेलीय चीजें होती हैं, जो स्नेक वगैरह होते हैं, वो घर्षण को कम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा घर्षण होगा उतना ही आप अच्छे तरीके से इसे रन कर पाओगे, चल भी पाओगे। और भैया जो मैं स्लिप कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जैसे रुकावट हो रही है, तो ये घर्षण के कारण ही है, ठीक है। यानी कि जैसे हम चल रहे हैं, चलना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, अगर फिसल कर गिर गए तो भैया वहां पर घर्षण कम है, वहां पर घर्षण है ही नहीं अगर फिसल रहे हो तो, ठीक है, बस ये एग्जाम्पल समझना। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है। स्थितिज क्या होता है? सब लोग जानते होंगे, रुका हुआ, मान लो रुका हुआ घर्षण। स्थितिज का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, सहज सी बात है भाई, रुका हुआ, ठीक है, अभी और इसके बारे में बता दूंगा। सीमांत क्या होता है? सीमांत होता है ना तो गति स्थितिज हो ना गति हो, ना तो रुका हुआ होना चाहिए और ना ही गतिज होना चाहिए। गतिज का मतलब क्या होता है? जो गति कर रहा हो, ठीक है, जो गति में हो, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, है ना, मैं चल रहा हूँ, मैं क्या, मुझ में भी क्या है गतिज घर्षण है। अब मैं रुक चुका हूँ, यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ, अब मुझ में क्या है? स्थितिज घर्षण है, ठीक है। अब जो ये है ना, जो गति करे, है ना, जो गति करे, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आप गतिज घर्षण के बारे में जान सकते हो, जो गति करता है, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज आपको बता दिया, अभी इसके भी दो पार्ट होते हैं, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण ना तो स्थितिज हो ना गतिज हो, यानी कि अच्छा अपने एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, वो रस्सी खींचने वाला खेल सबने देखा होगा, जो रस्सी खींचते हैं, या फिर सपोज करो मैं किसी को कहता हूँ भाई मेरा हाथ पकड़, हैं, आपसे बोलता हूँ किसी से, मैं मेरा हाथ पकड़ो और मुझे खींचो दबा करके जितना खींचना है, ठीक है, तो आप मुझे खींच रहे हो, ठीक है, तो एक किस्म से ना तो मैं बिल्कुल स्थितिज हूँ भाई, हल्का सा मुझ में रनिंग आने वाली है, ठीक है। यानी कि सीमांत तो वो होता है कि बंदा कोई अगर मुझे खींच रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं मतलब गति करने की कगार पर आ चुका हूँ, मतलब मैं बिल्कुल चलने वाला हूँ भाई, मुझमें इतनी जान तो है नहीं। सपोज करो मुझसे भाई हट्टा कट्टा होगा, या फिर दो बंदे मान लो मुझे खींच रहे हैं, तो मैं पूरा जान लगा रहा हूँ उसको पीछे हटाने की, लेकिन वो मुझे खींचते जा रहे हैं, मतलब खींचने के कगार पर आ गए हैं, यानी कि मैं अब चलने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सिचुएशन कैसी होती है? सीमांत घर्षण की, ठीक है, यानी कि एक सेकंड का दूर बस गैप रहता है कि चलने में, है ना, एक सेकंड का गैप, बस एक सेकंड और खींचने मुझे, वो मैं चल जाऊंगा, है ना, और ना तो मैं स्थिति रुक रहा हूँ ना, मतलब एक किस्म से तनाव में हूँ मैं, है ना, तनाव में मान सकते हो कि तनाव दो तीन प्रकार के, वो तनाव बात करो मैं खींचने वाला, है ना, एक किस्म से खिंचाव तनाव, है ना, खिंचाव या फिर तनाव मान सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो सब लोग क्लियर ही हो रहा होगा, ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया गतिज, मैंने क्या बताया, जो गति करता हो, और गतिज में भी दो प्रकार आते हैं, ठीक है। अब गतिज के भी दो प्रकार होते हैं डियर, कौन कौन से होते हैं गतिज के? दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है सर्पी, क्या होता है सर्पी, एक होता है लोटनी, ठीक है। दो प्रकार मेरे पास होते हैं, एक होता है मेरे पास सर्पी, एक होता है मेरे पास लोटनी, ठीक है। चल जा भाई। तो अब देखो सर्पी क्या होता है, सर्पी क्या होता है, देखो दोनों पॉइंट। अच्छा सर्पी का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास कुछ सामान है, एग्जाम्पल समझना, मेरे पास सामान है और मैं उसको खिसका करके ले जा रहा हूँ, ऐसे मतलब धक्का मार रहा हूँ। सपोज करो मेरे सामने कोई मेज रख दो, मेज रख दो या फिर कुर्सी कुछ भी रख दो, तो मैं कैसे ले जाऊँगा उसको, ऐसे ऐसे धक्का मार करके ले जाऊँगा, ठीक है। कैसे ले जाऊँगा, ऐसे धक्का मार करके ले जाऊँगा, मेज हो या फिर कुर्सी हो ऐसे धक्का मार करके मैं इसको ले जाऊँगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यानी कि सरकाना, जब आप किसी वस्तु को सरका कर ले जाते हो, है ना, किसी वस्तु को सरकाना या फिर धकेलना, है ना, धकेलना मान सकते हो उसको या फिर सरकाना। धकेलना, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझते रहना, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आपको बिल्कुल वो थ्योरी वगैरह लिखवाने वाला नहीं है, ठीक है, एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखवाने का, वो सिर्फ आपसे टिक मार पूछेगा, ठीक है, कि सर पे घर्षण कैसा होता है ना, उसको आप ऐसे धकेल सकते हो या फिर ऐसे लोटनी होगा, ठीक है। अब लोटनी की बात कर लेते हैं, लोटनी कैसा होता है। हाँ आपने देखा होगा सिलेंडर सबके घर में होगा, गैस सिलेंडर, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो गैस सिलेंडर कैसे करते हैं हम, ऐसे पैर से ना, जैसे भाई बहुत से बाहुबली तो ऐसे होते हैं जो सर पे उठा कर चल दे देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे लुढ़का कर लेके जाते हैं ना, जैसे हमें किसी सामान को लुढ़का कर ले जाना, है ना भाई, बड़े बड़े टायर वगैरह आपने देखे होंगे, टायर, अब टायर को तो हम सर पे उठा कर जाने सकते, जो टायर वगैरह होते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह के मान लो, है ना, बहुत बड़े बड़े, तो उनको हम लुढ़का करके ले जाते हैं, है ना। जो ज़्यादा भारी सामान होता है, जो गोला, एक गोला टाइप का होता है जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में लात मारते मारते हम उसको ले जाते हैं, ऐसा देखा आपने, लुढ़का कर ले जाते हैं। तो लुढ़का कर ले जाना, है ना, यानी कि लुढ़का कर ले जाना, धकेलना, तो एक किस्म से सर्पी के अंतर्गत आएगा भाई। जैसे मेज है मेरे पास, मैं ऐसे धकेल रहा हूँ, ये सर्पी के अंतर्गत आएगा। और मेरे पास बहुत बड़ा ड्रम सा है, ड्रम है ना, ड्रम टाइप का मान लो, कोई भी ऐसा बॉक्स है बहुत बड़ा गोल टाइप का, और बहुत वजन है भाई साहब उसमें, है ना, जैसे आपने बैक कैरी बैग देखे होंगे, वो हम ऐसे जिसमें हैंडल भी होता है उसको ऐसे हम लुढ़का कर लेकर चलते हैं, है ना, वो बैग वगैरह देखे होंगे, या फिर सिलेंडर का लात मार के लेकर जाते हैं, तो वो सिस्टम भी मान सकते हैं ना, लुढ़काना, है ना, डोलनी बोल सकते हैं इसको, डोलनी, ठीक है, डोलनी भी इसको बोल सकते हैं, या फिर लोटनी बोल सकते हैं, या फिर रोलिंग करना, है ना, किसके अंतर्गत, डोलना या रोलिंग करना, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और है साइकिल, भाई साइकिल, साइकिल देखी होगी भाई सबने चलाई हुई होगी अधिकतर, है ना, साइकिल क्या, साइकिल क्या करते हैं हम लोग, साइकिल एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं साइकिल को, भाई चला कर ऐसे ले जाते हैं, भाई किस्म से क्या कर रहे हैं हम उसको, लुढ़का कर तो ले जा रहे हैं, है ना। अब धकेलना तो एक किस्म से सर्पी में तो हो गया कि हम उसको ऐसे सर पे ठा करके तिरछी गेर करके उसे धकेल रहे हैं ऐसे, एक होता है साइकिल, या तो आप लुढ़का करके उसको ऐसे पैदल लेके जाओ, वो क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रही है, आसान भाषा में चल रही है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। एक होता है आप साइकिल चला कर लेके जा रहे हो, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, लोटने घर्षण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब ये थे इनके प्रकार, मैंने आपको बता दिया घर्षण के प्रकार, तीन प्रकार का होता है, स्थितिज, सीमांत और गतिक, है ना, रुका हुआ, जिससे रुका हुआ स्थितिज है बिल्कुल, तनाव में है मैंने अभी बताया था, और गतिक यानी कि गति में, ठीक है, उसके दो प्रकार होते हैं सर्पी और लोटनी। अच्छा मैंने बता दिया घर्षण मतलब किस चीज़ से कम हो सकता है, क्वेश्चन बन जाता है किस चीज़ से कम होता है, तो स्नेहक से कम होता है। स्नेहक के अंदर क्या आते हैं, जैसे तेलीय पदार्थ हो गए, है ना, सरसों का तेल, ग्रीस वगैरह, और भी कैसे काफ़ी सारे पदार्थ हैं जो एक किस्म से चिकनाहट पैदा करें, क्या करें, चिकनाहट पैदा करने वाले पदार्थ,
वो क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिक जो पॉइंट था, जो समझने वाला था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें बचता है न्यूमेरिकल वगैरह, कुछ और बेसिक जो पॉइंट होंगे जो छूट चुके हैं उनको हम जो अगली क्लास ऑब्जेक्टिव वाले लाएंगे उसमें हम उसमें कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बाकी इतना ही जो पोर्शन था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप घर्षण के बारे में समझ चुके होंगे, घर्षण क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, आप इसके बारे में जान चुके होंगे। ज़्यादा अगर देखो आईटीआई बेस का है, आईटीआई बेस का ही बताएंगे। वैसे तो आप घर्षण को दो तीन क्लास में भी खत्म कर सकते, इतना बड़ा घर्षण है, ठीक है। आप जिस लेवल का है उस लेवल का ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा हमें डीपली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना लेवल का आएगा उतना लेवल का पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मेन पॉइंट होता है मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके हम अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। धीरे धीरे मैं आपको एग्जाम से पहले वर्कशॉप कैलकुलस साइंस सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले, ये मेरी गारंटी है। बाकी और भी जो ड्राइंग वगैरह होगी उसके भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले, उसकी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है क्लासेस। चलिए इसी के साथ साथ भाई एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगाएं, और पीडीएफ सबसे बड़ा सवाल आता है पीडीएफ का, कि हमें वर्कशॉप की पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, कैसे लगाओगे, और ई बुक का भी सवाल आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है कि हमारी वेबसाइट है itexamyt.net, गूगल क्रोम में जब सर्च करोगे तो वहीं पर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, है ना। तीन बिंदु से होंगे, जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, जैसे आपने वेबसाइट ओपन करी, कौन सी, itexamyt.net, ये हमारी वेबसाइट है, इसको गूगल में सर्च करो। जब आप इसको सर्च करोगे गूगल में, क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक तो आपको इधर घर सा दिखेगा, बना हुआ घर सा, ठीक है, और घर की बराबर में आपको तीन लाइनें दिखेंगी इस प्रकार से, उन तीन लाइनों पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लैपटॉप में अगर ओपन कर रहे हैं तो वो तो अलग ही दिख जाता है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन सब कुछ, लेकिन मोबाइल में थोड़ा अलग दिखता है। तो तीन लाइनों पर आपको क्लिक करना है, तीन लाइनों के जब ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर खुल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑल ट्रेड पीडीएफ, ऑल ट्रेड फ्री ई बुक, है ना, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आईटीआई रिजल्ट का, आईटीआई मार्कशीट का, आईटीआई एडमिट कार्ड का, और भी बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आपके लिए तो तीन चीज़ें अभी फिलहाल ज़रूरी हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में सोचो। जैसे आप तीनों लाइनों पर इस पर क्लिक करेंगे ना, बटन सा होगा तीनों लाइनों का, जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने तीनों के तीनों पोर्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मिलता हूँ डियर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।